हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपको जीके में दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपको बांध के बारे में बताया जाएगा, बांध कहाँ से बना, कैसे बना, किसने बनवाया, मतलब सब कुछ आपको शुरू से बताया जाएगा कि बांध की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बांध की उत्पत्ति जो है सबसे पहले जो है कल्लानाई बांध, ठीक है, कल्लानाई बांध हम देख लें थोड़ा यहाँ पर। कल्लानाई बांध, ये बांध जो है वो सबसे पुराना बांध है। इस बांध को सबसे पहले जो है चोल वंश के राजा ने बनवाया था, ठीक है, करिकलन नाम था उनका। चोल वंश के जो राजा थे उनका नाम करिकलन था, उन्होंने बनवाया था कल्लानाई बांध। और जो है इसका 329 मीटर ऊंचाई है, इसकी लंबाई 329 मीटर इसकी जो है लंबाई है और 20 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 329 मीटर लंबाई और 20 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इस बांध को क्यों बनवाया गया था, वहाँ पर जो डेल्टा था कावेरी नदी पर इसको बनवाया गया था, कावेरी नदी पर ये स्थित है। तो कावेरी नदी पर वहाँ पर डेल्टा था, तो डेल्टा के पानी को हटाने के लिए, सिंचाई के उपयुक्त के लिए बनवाया गया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारत में स्थित 5 प्रमुख शीर्ष बांध, इनमें से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आप जो है पूरा वीडियो देखिए, हर चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए, वो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज हम देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला बांध हमारा है टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। अब हम टिहरी बांध के बारे में जानें कि टिहरी बांध है क्या। भारत का सबसे बड़ा जो है इसकी सबसे ऊंचाई, ये भारत का सबसे बड़ा टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई जो है देखते हैं, इसकी ऊंचाई 260 मीटर, लंबाई 575 मीटर है और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध को स्थापित, इसकी स्थापित क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। और ये कौन सा प्रकार है, अर्थ एंड रॉक फिल, ठीक है, अर्थ एंड रॉक फिल। हम यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं जो एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब हमने बात की कि टिहरी बांध के बारे में, हमने टिहरी बांध के बारे में जाना कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन सी नदी पर है और वो स्थापित क्षमता उसकी कितनी है और कौन सा प्रकार का है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो कहाँ पर है, भाई कहाँ पर है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो किस राज्य में है, पहले ये जान लें, उत्तराखंड में है। देखिए हर चीज़ को लिंक करके पढ़िए, वो ज़रूरी है, ठीक है, उत्तराखंड में है। कौन सा राज्य में, उत्तराखंड में, ठीक है। वहाँ की राजधानी कौन सी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पर जो है 9 नवंबर 2000 को वहाँ पर ये राजधानी बनी थी देहरादून, ठीक है। लेकिन अब जो है ये देहरादून जो है ये शीत ऋतु की राजधानी है और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है। इसके जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्या हैं, ठीक है। तो हमने बात कर लिया टिहरी बांध के बारे में। तो अब ये भी जान लें कि जो टिहरी बांध बनाने में कितनी लागत लगी, कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा, तो हमने बात कर ली टिहरी बांध के बारे में। अब इसकी एक ट्रिक भी आप जान लीजिए कि मानो कोई टी नाम की लड़की थी, वो आई भागते हुए आई और वो कूद गई, ठीक है, तो उसे आपका टिहरी बांध और भागी आई यानी कि भागीरथी नदी पर है। तो हमने थोड़ा बहुत ये जान लिया। अब हम अगले अपना दूसरा देखते हैं और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और पहले पहुँचे, ठीक है। और चलिए हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है भाखड़ा नागल बांध, ये बिलासपुर में है, सतलज नदी पर है। तो देखते हैं इसको कैसे हम सब एक्सपैंड कर के पढ़ना है कि हमें हर चीज़ें जो है अच्छे से आ जाए और हमें अपने दिमाग को बढ़ाना है कि कैसे आप सोच सके कि जीके कैसे बनता है। भाखड़ा नागल बांध है
इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई 226 मीटर, इसकी लंबाई 520 मीटर है। कौन सी नदी पर है भाखड़ा नगर बांध? सतलज नदी पर है। स्थापित क्षमता इसकी कितनी है? 1325 मेगावाट इसकी स्थापित क्षमता है। ये कौन सा प्रकार का बांध है? भाखड़ा नागल बांध कौन से प्रकार का बांध है? ठोस गुरुत्वाकर्षण प्रकार का ये बांध है। ये कौन से स्थान पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये है। अब ये और थोड़ा इसको एक्सपेंड करके देखते हैं तो और हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। और देखते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। राजधानी शिमला कब बनी? 25 जनवरी 1971 को शिमला राजधानी बनी हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। तो हमने भाखड़ा नागल बांध के बारे में इतना जाना, हर चीज़ को एक एक करके हमने खोल खोल कर देखा और हमें इतना सब कुछ मिला अपना मटेरियल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तीसरा टॉपिक देखते हैं, तीसरा बांध हमारा है सरदार सरोवर बांध। देखिए लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए। और देखते हैं अगला हमारा बांध जो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध इसकी ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1260 मीटर इसकी जो लंबाई है 1260 मीटर। कौन सी नदी? ये 1210 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। कहाँ पर स्थापित है? इसकी स्थापित क्षमता 1450 मेगावाट है। कौन से प्रकार का ये बांध है? ग्रेविटी बांध। ये कौन से प्रकार का बांध है? ग्रेविटी बांध। ठीक है, अब और इसको थोड़ा जानते हैं कि किस राज्य में है। तो ये जो है गुजरात, कौन से राज्य में? गुजरात में है। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसकी राजधानी 1 मई 1960 को बनी थी गांधीनगर। और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हमने तीसरा बांध हमारा था सरदार सरोवर बांध, हमने इस चीज़ को एक्सपैंड कर हर एक चीज़ को देख लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सरदार सरोवर बांध आप इससे याद रखिए कि भारत के प्रधानमंत्री थे, वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सरदार सरोवर बांध की नींव डाली थी। ठीक है, इससे आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमने तीन टॉपिक क्लियर कर लिए। अब चलते हैं मोटिवेशन क्वेट की तरफ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो चलिए चौथा टॉपिक हम अपना डिक्लेयर करते हैं। पूरा बांध हमारा चौथा बांध है हीरा कुंड बांध। अच्छा, जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 60.96 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60.96 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? हीरा कुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर। अच्छा, एक इससे और क्वेश्चन, अब तो आपके माइंड में क्लिक कर ही गया होगा कि ये किस नदी पर है। ये है महानदी पर।
अब इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 307.5 मेगावाट। और ये किस प्रकार का है, मतलब हीराकुंड बांध किस प्रकार का बांध है? कंपोजिट बांध, ये कौन से प्रकार का है? कंपोजिट बांध। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो अब हमारे दिमाग में आया कि उड़ीसा में है तो हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा जानें, तो ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। अब इसकी राजधानी क्या है, क्योंकि राज्य है तो राजधानी भी तो होगी ही कुछ ना कुछ। 26 जनवरी 1950 को इसकी राजधानी बनी थी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के उड़ीसा के गवर्नर हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम हर चीज़ों को एक्सपैंड कर करके देखेंगे, इससे हमें चीज़ें जल्दी याद होंगी। जितना हम चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा लिखेंगे वो हमें चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली हमारा चौथा टॉपिक, ये हमारा पांचवा बांध है। और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, बराबर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका पांचवा बांध है नागार्जुन बांध। नागार्जुन सागर बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 124 मीटर। तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी? इस बांध की, जो नागार्जुन सागर बांध है, इसकी लंबाई है 1450 मीटर। कौन सी नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और एक चीज़ और अपने दिमाग में कि कृष्णा नदी है कहाँ? कृष्णा नदी तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि नदी पर है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी पर। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 816 मेगावाट। इसकी जो स्थापित क्षमता है नागार्जुन सागर बांध की, 816 मेगावाट। ये कौन से प्रकार का बांध है? चिनाई बांध। ये चिनाई बांध जो है इस प्रकार का बांध है। तो अब हमने देखा कि नागार्जुन सागर बांध कितना ऊंचा है, लंबा है, किस नदी पर है, स्थापित क्षमता कितनी है, कौन से प्रकार का है। अब इसको देखते हैं कि कौन से राज्य में, अब भाई बना है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, और भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में ही होगा, तो कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है। हमने देखा कि कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो हमने इतने टॉपिक पढ़े, अब तो हमारे दिमाग में आ ही गया होगा कि हमें आगे क्या चीज़ आना चाहिए। अब भाई तेलंगाना राज्य है तो वहाँ की राजधानी 2 जून 2014 को यहाँ की राजधानी बनी थी हैदराबाद। ठीक है, यहाँ की राजधानी बनी थी हैदराबाद, तो 2 जून 2014 को बनी, यानी कि इसका जो है विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, तेलंगाना का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक में ही थे, फिर 2 जून 2014 को इसका विभाजन हुआ तो ये बन गया तेलंगाना राज्य। अब तेलंगाना के गवर्नर कौन हैं? तमिलिसाई सौंदर राजन यहाँ के गवर्नर हैं। तो हमने इतना सब कुछ जाना, हमारे पांचों बांध हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अब आप ये भी जान लीजिए, इसकी जो है ये कृष्णा नदी पर है, तो इसकी लागत मूल्य 1300 करोड़ रुपए है। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक ऑफ़र चल रहा है, आपको पता होगा इतने दिन से बताया जा रहा है कि आप जितना शेयर करेंगे, आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको फ्री मिलेगी, क्या फ्री मिलेगी? टेस्ट सीरीज। इससे आपको हम WhatsApp पर सेंड कर दिया जाएगा, आपको आपके WhatsApp पर टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।